सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है जी थोड़े सारे का थोड़े अपनी प्यारे यूट्यूब चैनल आर के स्टडी एग्जाम के। सो दोस्तों, इस वीडियो के अज आप पंजाब जीके का प्रैक्टिस सैट टू करा, तो अपना एक प्रैक्टिस सैट हो चुका है गाइस। अगर तुमने वीडियो नहीं वेखी तो उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन दिता हुआ है, तुम जाके वीडियो वॉच कर सकते हो। तो इस गाइस 20 क्वेश्चन होंगे, तो नाल जो इसकी एक्सट्रा जानकारी होगी वो अपना डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है। तो वीडियो ध्यान देना वेखियो। सो पंजाब के ऑल एग्जाम वाले ये जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है, तो तुम्हें इसकी PDF है जो टैलीग्राम के उपर मिल जाएगी। सो टैलीग्राम चैनल का लिंक है जो वो भी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करवाए क्लास में स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है गाइज अपने को, चंद्रमा एक आदमी का गहना है, यह किस विच पाया जाता है? तो अपने को चार ऑप्शन ने, तो तुम गैस करो इस राइट आंसर होगा। द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, गर्दन के यानी कि नैक के, जो कि चंद्रमा एक आदमी का गहना है, जो कि कितने पाया जाता है, ये गर्दन के पाया जाता है। तो गाइस इस रिलेटेड होर भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जिमें कि जो कुतबीलदार है, ठीक है, कुतबीलदार, सो एक पुरुष का गहना होंगे, तो यह कितने पाया जाता है? यह पाया जाता है जी सिर के उत्ते, यानी कि मत्थे दे। तो एक होंगे कंडी, ठीक है, कंडी, सो ये औरतों का गहना होंगे, यह पाया जाता जी गर्दन के। एक होंगे जी बंका, सो ये कलाई में पहना जाता औरतों की, ठीक है, मुरखी होंगी है वह कन्न पाया जाता है। एक बीरवाली होंगी है, सो आदमी का गहना है जो बीरवाली, वह कन्न पाया जाता है। तो तुम इन्नी की जानकारी जो नोट कर लियो, ठीक है जी। वेख लें आप नैक्सट क्वेश्चन, नैक्सट क्वेश्चन वेखो, क्वेश्चन नंबर टू अपने को, कपूरथला रियासत के किस शासक ने बसंत पंचमी का मेला जो शुरू किया? दसो इन्हों जो कपूरथला के किड़ी रियासत का राज शासक से, वह तो उन्होंने नाम से गाइस ऑप्शन नंबर सी, महाराजा जगतजीत सिंह, ठीक है, महाराजा जगतजीत सिंह से कपूरथला रियासत के शासक से, जिन्होंने कि बसंत पंचमी का मेला शुरू किया। 2021 के जो बसंत पंचमी का मेला से 104वां संस्करण से, जो कि बसंत पंचमी का, जो बसंत पंचमी है जिसनों कि देवी सरस्वती के सन्मान में सरस्वती पूजा भी कहा जाता है, ठीक है, बसंत के आगमन की तैयारी का प्रतीक है। तो बसंत पंचमी भी होलिका तो होली की तैयारी की शुरुआत करती है, जो कि 40 दिन बाद होंगी है होली। पंचमी उत्ते बसंत त्यौहार तो पहला 40 दिन पहला मनाया जाता है, और उसके बाद जो मौसम है पूरी तरह खिड़ जाता है। तो तुम याद रखियो महाराजा जगदीत सिंह, जिन्हें कि बसंत पंचमी का मेला शुरू किया। नैक्सट क्वेश्चन वेख लें, नैक्सट क्वेश्चन, खेती दुनिया पत्रिका कितों प्रकाशित की जाती है? तो पत्रिका के नाल रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन जरूर बनते हैं, इस करके क्वेश्चन जो इनकलूड किया गया। तो दसो खेती दुनिया जो पत्रिका है वह कितों प्रकाशित की जाती है? वह की जाती है गाइस ऑप्शन नंबर ए, पटियाला। सो पटियाला तो खेती दुनिया पत्रिका प्रकाशित की जाती है। तो होर जो अपनी पत्रिका ने वो कि ने, ग्राम सेवक आ जाती है, ग्राम सेवक, सो ये की जाती है दिल्ली तो, ठीक है, ये भी पूछ लिया जाता कई बार। एक होंगी है एग्रीवाच, एग्रीवाच ये की जाती है नवी दिल्ली तो भी, तो एक होंगी है सेवाग्राम, वह भी नवी दिल्ली तो की जाती है, ठीक है जी। तो एक होंगी है कृषक दूत, ठीक है, कृषक दूत पत्रिका होंगी है, वह होती होंगी है भोपाल तो, मध्य प्रदेश के भोपाल तो। एक होंगी है कृषक जगत, वह भी होंगी है भोपाल तो। तुम जी मैं हूँ तुम्हें जानकारी दी है, तो तुम सारी नोट कर लियो, ठीक है, सारी इंपॉर्टेंट ने, कोई भी पूछी जा सकती थोड़े को। नैक्सट क्वेश्चन दल आप, नैक्सट क्वेश्चन वेखो गाइज अपने को, फैनोलॉजी खेती विज्ञान में किस नाल संबंधित अध्ययन है? जो फैनोलॉजी है वह इन किस अध्ययन नाल संबंधित है? तो गाइज इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सो मौसमी कुदरती घटनावां का अध्ययन है जो फैनोलॉजी के एड हों, सो मौसमी कुदरती घटनावां का अध्ययन है फैनोलॉजी। तो अपने को होर भी तीन ऑप्शन, यानी कि फलों का अध्ययन है, सो ये किस दे विच आउंदा? सो ये पोमोलॉजी के आता है, पोमोलॉजी के फलों का अध्ययन। तो जंगलात का अध्ययन किस दे विच आता है? ये आता जी सिल्वीकल्चर, सिल्वीकल्चर के। एक है कीटा का अध्ययन, सो ये आता है एंटमोलॉजी के, एंटमोलॉजी के कीटा का अध्ययन। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो तुम याद रखियो ये। वध नैक्सट क्वेश्चन के वल, नैक्सट क्वेश्चन है, गुरु नानक देव जी की दूजी उदासी से जो उसनू किस नाम नाल जाने जाता है? तो गाइस तुहानू सारी उदासी मैं करा दी से अपनी वीडियो के, तुहानू याद ही होना, तो वह है जी ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दक्षण
जैन स्थान ते बुद्ध स्थान। सो ये तिना दासियों के नाल जो कोणार्क देवी दूजी उदासी सी उन्हें जाने जाता है। सो इन्हों आप दक्षिण भी कह सकते हैं, जैन स्थान भी ते बुद्ध स्थान भी। तो तीन इस राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ठीक है, तुसी याद रखियो। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुहाडे लई। वेखदे हां नैक्सट क्वेश्चन। नैक्सट क्वेश्चन अपने कोल अकबर की ताजपोशी है जो 14 फरवरी 1556 ईस्वी पंजाब के किस जिले स्थान तो होया सी, जो अपना ताजपोशी जी अकबर का। सो 14 फरवरी 1556 होया किस स्थान पर होया उसका जो ताजपोशी जी, वो होया गाइस ऑप्शन नंबर सी कलानौर। सो कलानौर कितने, यानी कि गुरदासपुर के नेड़े जो कलानौर, तो उत्थे उसका जी अकबर की ताजपोशी। तो जो अकबर का समा सी वह सी 11 फरवरी 1556 तो 27 अक्तूबर 1605 तक का। तो जो इसका पूरा नाम की सी, जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर, जो कि तैमूर वंश के मुगल खानदान का जो तीजा शासक सी। यह मुगल साम्राज्य के संस्थापक से जोड़े जिन्हों का नाम से जोहरुद्दीन मुहम्मद बाबर, उन्होंने पोते से ते हिमाजू के पुत्र से। सो इन्होंने हिंदू मुसलमान संप्रदावों में दूरियों घट करने के लिए एक धर्म चलाया सी जिसका नाम से दीन ए इलाही। सो दीन ए इलाही धर्म चलाया सी इन्होंने, ठीक है। तो उस तो इलावा इन्होंने हिंदुओं तो जजिया कर जो खत्म कर दिता सी, ठीक है। तो इसकी मौत सी जो फतेहपुर सिकरी यानी कि आगरा के, इन्हों दफन किया गया सी सिकंदरा आगरा के, ठीक है। मौत हुई थी फतेहपुर सिकरी के, दफन किया गया सी सिकंदरा दे आगरा के। तो तुसी जानकारी नोट रखियो। नैक्सट क्वेश्चन वेखते हैं। नैक्सट क्वेश्चन वेखो गाइस, जलियांवाला बाग हत्याकांड विच किस भारती नाम ने डायर का सहयोग किया सी। तां जलियांवाला जो कांड होया सी उस दे विच एक भारती का नाम आया सी, तां इन्हां दे विचों किहड़े सी उह, तां उह सी गाइस ऑप्शन नंबर बी हंस राज दा, जिहड़े कि एक ब्रिटिश भारत अमृतसर दे विच एक भारती नौजवान सी, ते उह उहनां नूं सत्याग्रह संगठन दा एक संयुक्त सकत्र भी चुणिया गया सी। तो उन्होंने जो 13 अप्रैल 1919 एक जलियांवाला बाग के एक मीटिंग का प्रबंध किया, कतलेआम दौरान उत्थे मौजूद सी जो कि मीटिंग हो रही थी। तो जो कतलेआम हो गया से उस तो बाद बच निकलने तो बाद इस जल्दी गिरफ्तार कर लिया गया सी, जो कि हंसराज से, ठीक है। तो जो हत्याकांड के नाम आता है सो हंसराज का सी। तो यह बहुत सारे स्टूडेंट पता नहीं होना, ठीक है। तुहरे लिए नवा क्वेश्चन हो सकता है, तो इंपॉर्टेंट है, चंगी तरह याद कर लियो इसनों। नैक्सट क्वेश्चन वेखते आप। नैक्सट क्वेश्चन अपने कोल, इन विचों किसने भंगी मिसल की नींह रखी सी। जिमें कि अपने को 12 मिसल आदि ने, तो उन्होंने पूछा कि जो भंगी मिसल की नींह है वह किने रखी सी, तो रखी सी गाइस सरदार छज्जा सिंह ने, ऑप्शन नंबर सी इस दे विच राइट आंसर। तो 18वीं सदी के आरंभ के सरदार छज्जा सिंह द्वारा स्थापित की गई जो मिसल है, ठीक है, जिसका नाम से भंगी। सो इस जो सेवक से उन्होंने भंगी प्राप्त किया, जो कि मिसल का नाम से भंगी। इसनों क्यों कहा गया था भंगी मिसल, क्योंकि जो छज्जा सिंह सी अते उसके सिपाही सी वो अक्सर जड़ी बूटियां दे नशीले भंग की वरतों करते, ठीक है। इस करके इन्हों जो भंगी मिसल कहा जाता सी, तो तुसी याद रखियो। वेख लैने नैक्सट क्वेश्चन आप। नैक्सट क्वेश्चन है, हेठ लिखिया विचों चनाब का पुराना नाम की है। शायद गाइस आपने पुरानी वीडियो जी ओल्ड वीडियो इस हो चुका क्वेश्चन है, शायद तुम्हें याद हो जेकर। तो जो चनाब का पुराना नाम है उसका नाम है ऑप्शन नंबर डी अकीसनी। सो चनाब का जो पुराना नाम है अकीसनी। जिन्हें भी होर अपने दरिया ने सो उन्होंने नाम सुन लो, जिमें कि जेलम है, जेकर जेलम का पूछ लिया जाए सो उसका पुराना नाम की सी, उसका नाम है बितासता, ठीक है। सो उसका नाम सी बितासता। तो एक अपने को है रावी, सो रावी का नाम सी पुरुषनी, ठीक है जी। तो एक सी ब्यास, उसका पुराना नाम है बिपासा। तो तुसी ये सारी याद रखियो, सारी ही इंपॉर्टेंट ने, ठीक है, कोई भी पूछा जा सकता है, तुसी याद रखियो। नैक्सट क्वेश्चन वेखते आप। नैक्सट क्वेश्चन अपने कोल, जिसने लाहौर विखे 1848 के सिख विद्रोह की अगवाई की सी, तो वह कौन सी। तो जिसने कि लाहौर के विखे 1848 के विच सो सिख विद्रोह की अगवाई की सी, तो उन्होंने नाम से चतर सिंह अटारीवाल, ऑप्शन नंबर बी। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुसी ये याद रखना है, जिहड़े कि लाहौर के विच होई सी 1848 के विच सिख समारोह की अगवाई की सी चतर सिंह अटारीवाल। नैक्सट क्वेश्चन वल वधदे आपां। नैक्सट क्वेश्चन है, धुंधले परछावें हेठ लिखियां विचों किसकी एक रचना है। तो अपने को जो अपने लेखक ने सो उन्हां दे नाम दिते गए ने, तो जो इस रचना है गाइस ऑप्शन नंबर सी नानक सिंह की है,
जो कि एक नावल है धुंधले परछावें। सो एक प्रसिद्ध कवि होए ने, लेखाकार होए ने, संगीतकार भी होए ने, ठीक है, जो नानक सिंह सी। सो इन्होंने बहुत सारिया कवि कवितावान नाटक एकांकी दते ने जो पंजाब नू, तेने जो मशहूर जो इन्हें मतलब कि वार्तालाप रहे ने, सो इन्हें जो नावल रहे ने आदमखोर हो गया, रचनावां इन्हें प्रसिद्ध थी बहुत सारिया, आदमखोर हो गया, चिट्टा लहू हो गया, तो एक म्यान दो तलवारा हो गई, लम्मा पेंडा हो गया, पवित्र पापी, कटी हुई पतंग, तो अग की खेड़, और बहुत सारी होर भी रचनावां ने दिया, तो ये मेन मेन याद कर रखियो, ठीक है जी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुहाडे लई, नैक्सट क्वेश्चन वल वधदे आपां। नैक्सट क्वेश्चन अपने कोल, बंदा सिंह बहादुर का इन्हां विचों कौन उत्तरकारी कौन सी? तो जो बंदा सिंह बहादुर सी उन्हां दे विच इन्हां दा उत्तरधिकारी कौन सी? उन्हां दा नाम है छज्जा सिंह, ऑप्शन नंबर बी। सो छज्जा सिंह सी जो बंदा सिंह बहादुर के उत्तराधिकारी सन, तो तुसीं याद रखियो, सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। नैक्सट क्वेश्चन वेखदे आपां, नैक्सट क्वेश्चन अपने कोल वेखो, पुष्पा गुजराल साइंस सिटी किस जिले में स्थित है? तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सुने होना जो पुष्पा गुजराल साइंस सिटी गए भी होने उत्थे, तां तुसीं दसो कि वह पंजाब के किस जिले में स्थित है? तो गाइस वो है सीज दे विच, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कपूरथला दे विच। ते जे वो केंद्र सरकार ते पंजाब सरकार दा एक सांझा प्रोजेक्ट है जिहड़ी कि पुष्पा गुजराल साइंस सिटी है। तो यह इत्थे की दिखांदा है, तो इस स्थान पर विज्ञान, खेतीबाड़ी, टैक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मनुखी विकास ते होर बहुत सारे जो जीवन के वख वख खेत्रां दी पड़चोल करन दे लई इस नूं बनाया गया, जो कि पुष्पा गुजराल सिटी है, तो तुसीं याद रखियो इह कपूरथला दे विच। नैक्सट क्वेश्चन वेखदे आं, नैक्सट क्वेश्चन है, पहला खालसा कॉलेज कदों अते कित्थे स्थापित किया गया सी? तो खालसा कॉलेज तुहानूं याद आ गया होना, सो अमृतसर दे विच, तो तुसीं ये भी याद रखियो कि कदों 1892 दे विच, ठीक है, सन भी कई बार पूछा जा सकता है, सो अमृतसर दे विच 1892 दे विच। ते जेकर पूछ लिया जाए कि जो खालसा कॉलेज का आर्किटेक्चर सी, डिजाइन सी, वो किन्हां ने तैयार किया सी, तो उन्हां दा नाम सी राम सिंह, ठीक है, आर्किटेक्ट राम सिंह। सो इन्होंने ही खालसा कॉलेज का जो आर्किटेक्चर से, ठीक है, उन्होंने डिजाइन किया राम सिंह द्वारा, तो तुसीं याद रखियो, सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नैक्सट क्वेश्चन वेखदे आं, नैक्सट क्वेश्चन अपने कोल वेखो, पंजाब सरकार ने MOU ते NGO दे दस्तखत किए ता जो कैंसर की बीमारी लिए काम कर रहे हैं, तो NGO का नाम की है? तो जो NGO का नाम है जी वो है उन्होंने ऑप्शन नंबर बी, सो रोको कैंसर ट्रस्ट, ठीक है। तो जो NGO का नाम है जो कि पंजाब सरकार ने MOU साइन किए ने जी कि NGO तो उपर, तो जो कैंसर की बीमारी लिए है, तो जो NGO का नाम की है, रोको कैंसर ट्रस्ट, इस राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, तुम ये याद रखियो, सो इंपॉर्टेंट है तुहाडे लई, सुपरिंट का क्वेश्चन है। नैक्सट वेख लें आप, नैक्सट क्वेश्चन वेखो अपने को, उत्तर पछमी पंजाब की सरहद विच केड़ा पहाड़ स्थित है? तो जो उत्तर पछमी है उसे पंजाब की सरहद विच वो है सुलेमान माउंटेन, यानी कि सुलेमान पहाड़ है जो स्थित है, जिवें कि तुसीं मैप दे विच वेख सकते हो, ठीक है, इमेज दे विच है। सो उत्तर पछमी पंजाब की सरहद है जो उस दे विच स्थित है सुलेमान माउंटेन, ऑप्शन नंबर डी इस दे विच राइट आंसर। वेख लें नैक्सट क्वेश्चन आप, नैक्सट क्वेश्चन अपने कोल, पंजाबी साहित्य का पहला विज्ञानिक इतिहास किसने लिखा? जो कि फर्स्ट साइंटिफिक हिस्टरी सी, यानी कि विज्ञानिक इतिहास सी, वो पंजाबी साहित्य पहली बार किसने लिखे सी? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुसी ये याद रखना है, तो वो लिखे सी मोहन सिंह दीवाना, ऑप्शन नंबर ए इस दे विच राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन जो PPSC के प्रीवियस एग्जाम होए ने उन्हां दे विच पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, अगे जो पुलिस के एग्जाम होने ने तो पटवारी का, तो तुहाडे लई इंपॉर्टेंट है, तुसी याद रखियो, ठीक है जी। वेखदे आपां नैक्सट क्वेश्चन, नैक्सट क्वेश्चन वेखो, किहड़ा जिला सिफती का घर वजो जाना जाता है? तो गाइस तुहाने सुनी होना सिफती के घर वजो जाना जाता है, सो अमृतसर शहर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, सो अमृतसर ही सिफती के घर वजो जाना जाता है। इमेज के वेख सकते हो तुसी जो सिफती के घर वेखे लिखा हुआ है, देखो उपर सिफती का घर, तो वह अमृतसर शहर जाना जाता है। नैक्सट क्वेश्चन वाल वधदे आं, नैक्सट क्वेश्चन है, पंजाब का किहड़ा शहर फर्नीचर समान लई मशहूर है? सो पंजाब का किहड़ा शहर है, यानी कि फेमस है, वह शहर है जिहड़ा कि फर्नीचर के लिए फेमस है, वह है गाइस ऑप्शन नंबर डी करतारपुर। सो करतारपुर है जो फर्नीचर के लिए मशहूर है, यानी कि फेमस है वह,
तो तुम ये याद रखियो, सो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सो पंजाब के एग्जामों के यही जो क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है जी, तुम याद रखना है। नैक्सट क्वेश्चन वेखते हैं। सो अज अपना वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जी, ये वीर दुसांझ वाइल्डलाइफ सेंचुरी है जो पंजाब के किड़े जिले में है। तो जो वीर दुसांझ वाइल्डलाइफ सेंचुरी है ये पंजाब के पटियाला जिले के स्थित है, ठीक है जी। तो जो वाइल्डलाइफ सेंचुरी के आधार भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो तुम इन्होंने जरूर रीड कर लो एक बार। तो मेरा इरादा की सी, मतलब कि इशारा करन दा कि तुम इन्हों के रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है जी। तो ये याद रखियो, सो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तुहाडे लई। तो गाइज इस वीडियो के आप 20 क्वेश्चन डिस्कस किए, तो नाल ही आप इस एक्स्ट्रा जानकारी वो भी डिस्कस की। तो उम्मीद करते हैं तो वीडियो पूरी तरह समझ लग गई होगी। तो जेकर वीडियो वधिया लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो वध तो वध लाइक कर दिओ। तो जेकर चैनल पर नवे जुड़े हो तो चैनल में सबसक्राइब करके नाल वाली बैल आइकन जरूर प्रेस कर लियो, तो पंजाब पुलिस ते पंजाब पटवारी का जो सिलेबस है सारा सारे जुड़ के तुम कंप्लीट कर सको। अभी असं नवी नवी वीडियो लैके आ रहे हैं, ठीक है। तो अपनी जो करंट अफेयर की ई बुक है वो लॉन्च हो चुकी है, तुम वो बुक में वाई कर सकते हो, ठीक है। सो ऑफलाइन तुम डाउनलोड करके खुद भी इसको पढ़ सकते हो, ठीक है जी। तो होर जानकारी साडे चैनल में बने रहो, अगे आप बहुत जल्द होर वीडियो लेके आवेंगे, ठीक है। मिलते हैं नैक्सट वीडियो के। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।